हेलो गाइस, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ हूँ और आज मैं पालक चने की दाल की सब्जी के साथ कुछ नया बनाने जा रही हूँ। आज मैंने पनीर लिया है, ये मेरा 100 ग्राम है। प्याज, 2 प्याज है और 3 हरी मिर्ची है। आलू है कटिंग में, 6 आलू हैं छोटे वाले, 2 टमाटर हैं। आज मैं नई रेसिपी तैयार कर रही हूँ इसके साथ। थोड़ी सी तेल गरम हो चुका है, हींग ऐड दी है, जीरा है, मेरा प्याज को मैं ब्राउन कर दूंगी, थोड़ी सी ब्राउन करने के बाद इसमें मुझे टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड कर लिए, टमाटर मुझे गल गए हैं, हमने मसाला इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लाल मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला और अच्छे से पक जाए। आलू डालेंगे, आलू को बस मिनट के लिए इसमें छोड़ूंगी ताकि थोड़ा कच्चापन निकल जाए इसका। मैं इसमें या चने की दाल और पालक मिक्स कर रही हूँ। और अब लास्ट है पनीर। पनीर को मैंने चूरा कर लिया है और मैं इसे भी इसमें ऐड करके मिक्स और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि जो आलू की थोड़ी सी कसर है वो भी सही हो जाए। पनीर को ज्यादा चढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि वो पहले से चूरा है और हो जाएगा। मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाला है और इसको मैं ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए ताकि सब्जी तैयार है। देखिए आलू भी अच्छे से पक गए हैं और ये देखिए ग्रेवी वाली बनी है। अब मैं इसे साफ करती हूँ गैस पर। एक बार आप भी बची हुई सब्जी ट्राई करके देखना कि कैसी बनती है, उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। मेरी सब्जी तैयार है, ये देखिए अब कितना अच्छा कलर आया है, एक बार आप भी ट्राई करना। अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ और ये देखिए अब खाने के लिए तैयार है। आप एक बार आप भी ट्राई करके देखना। बाय बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और